बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। बच्चों के लंच बॉक्सेस बना के मैंने रेडी कर दिए थे कि बस उनका स्कूल का टाइम हो रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता मैंने तैयार कर दिया बस। और सेकेंडली, आज मेरी कज़न की बेटी हुई थी माशाल्लाह, तो वो आपसे पिक्चर्स में आगे शेयर करूँगी। सब माशाल्लाह बोल दीजिएगा, इतनी प्यारी माशाल्लाह मुन्नी थी। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, तो बस सब आप लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ये देखें कितनी प्यारी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी प्यारी लग रही थी। और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। देखिए, मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे तीन बच्चे हैं। हम माशरे में यही देखते हैं कि मर्द कमा कमा कर अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है और अल्लाह ताला हम सब के शोहरों को सलामत रखे, आमीन। आप नॉर्मली देखेंगे कि मर्द अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठा उठा कर बहुत जल्दी मर जाते हैं। आप इर्द गिर्द देखें, आपको बेवाएँ नज़र आएंगी, पर मर्द बहुत जल्दी ज़िम्मेदारियों का सोच सोच के ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो सारी ज़िम्मेदारियाँ वही उठाएं। बच्चे तो हम दोनों के हैं, तो मैंने व्लॉगिंग सिर्फ उनका साथ देने के लिए की, ताकि मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में भी सुकून और आराम हो और वो अपनी फैमिली को भी वक्त दे सकें। मुझे वो हाउसवाइफ नहीं बनना था जो सिर्फ घर बैठकर अपना वक्त ज़ाया करे। बच्चे छोटे थे तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अब माशाल्लाह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं, तो मैं भी व्लॉगिंग कर सकती हूँ। ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम है सोने के बाद। ये हशाम से मैंने करवाया है टीवी म्यूट। हशाम सो जाओ यार, टाइम देखो 9:15 हो रहे। यार आ जाओ ना, आओ। मैं कल जो मैंने वो ऑयल बनाया था ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ आरुष के। आज मैंने, आरुष यहीं खड़े रहे, आज मैंने ऑयलिंग की है आरुष की, और माशाल्लाह आप शाइनिंग से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। इधर आओ बेटा, ऐसे मुड़ो। ये देखें, आरुष के बालों से आप शाइनिंग का अंदाज़ा लगा रहे होंगे। और इसके बाल इतने लंबे थे, ये मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिए थे। ये देख रहे हैं आप लोग कितने माशाल्लाह इसके बाल हेल्दी हो गए, पहले इतने हेल्दी नहीं थे। आप क्या कर रहे हैं? मैं बना रहा हूँ कावा। खाने के बाद कावा बहुत ज़रूरी है, चाय वाय से सब अवॉइड करें। नहीं तो नज़र ही नहीं आ रहा, फ्लैश आउट लाइट ऑन करनी पड़ेगी। ओहो, पुदीना इतना अच्छा लग रहा है भैया। कावा बहुत ज़बरदस्त है, तुम इसकी रेसिपी लाजमी अपने जो है सब्सक्राइबर के साथ शेयर कर दें। हाँ, जिनको अपना वेट लूज़ करना है बहुत बहुत जल्दी, तो मैंने 5 किलो वेट लूज कर लिया, 5 kg ना। हाँ, 2 महीने के अंदर वो। आपने मेरा साफ पतीला वहाँ क्यों रखा है? वो धुला हुआ पतीला इधर दे दें। मैंने अभी पूरा किचन क्लीन किया है, ये देखें। ये बच्चे, ये पापा ले गए थे इनके लिए भुट्टे। इन्होंने भुट्टे खा खा के जो है ना, ये 3 छोड़े सिर्फ ये मामा पापा के लिए ना। अब ये छील के रख दी है मैंने, इंशाल्लाह। बहुत पसंद है हशाम, हशाम को बहुत पसंद है, हशाम बहुत शौक से खाता है। आप अपने पूरे दिन तुम खुद पकाते रहे? नहीं नहीं, आप अब रात में नहीं दें, रात में नहीं दें, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सारे भुट्टे खाकर ये बच्चे, ये 2 किलो भुट्टे थे, रात में नहीं दें। आरुष सुबह स्कूल जाना है बेटा, देखो 9:30 का टाइम होने वाला है, आओ सो जाओ। मेरी मुन्नी बहुत अच्छी है। बात सुनो, अपने बैग सही से पैक कर लिया है, सारी बुक्स वगैरह टाइम टेबल के हिसाब से? जी। और सुबह क्या लंच लेके जाओगी? जो भी आप देंगे। चलें ठीक है। और शाम आप भी जाएं बेटा, जाएं सोएं। अब आप जल्दी से कावा डाल दें ताकि हम कावा पिएं। जब भी निकालता गिर जाता है, तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि कावा गिरे नहीं मेरे हाथ से ना। जरा मैं तुम देखना, सच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी पतीली में कोई मसला है? ओ वाओ, आज नहीं गिरा। देखिए, हम लोगों ने 8 बजे खाना खाया था और देखें अभी 9:30 हो रहे हैं, तो अभी हमने पकने के लिए कावा रख दिया था। आप लोगों को मालूम है, आज मैं गई थी अपने हस्बैंड की जो कज़न है, देखें कावे के अंदर उसकी बेटी, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। इधर तुम जरा घूम जी। तो ये मेरे कावे का कलर देखें जरा, कितना अच्छा है माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त कावा है ना।
देखिए जब से गर्मियाँ आपका वेट जो है ना लूज करता है, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, तो मैंने जो वो लेमन और कॉफ़ी है उसको कम कर दिया है, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उससे एक्नी वगैरह की शिकायत ना हो जाए, एहतियातन मैंने कम कर दिया। फिर मैंने ये शुरू कर दिया है कावा। मुझे वेट से कोई टेंशन नहीं थी, मगर इन्होंने मुझे बोला कि वेट कम करें अपना वेट कम करें, तो मैं भी इनके साथ कोशिश में लग गया। मेरा अगर 5 किलो वेट कम हो चुका है अभी तक ना, 95 kg था और अभी मैं हो गया हूँ 90 kg का ना। मेरी जो बड़ी नंद है ना, वो डॉक्टर है, वो कहती हैं कि जो बड़ा हुआ पेट होता है ना, वो नीरी बीमारियों की जड़ होता है। तो देखिए, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी अगर कोई बंदा अपना ख्याल नहीं रखे तो फिर तो बुरी बात है। मैं तो एक चीज़ महसूस करती हूँ कि अगर आप अपना वेट का ख्याल रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपको अपनी स्किन भी अच्छी लगेगी, आपको अपना जो पहनना ओढ़ना करेंगे आपको वो भी अच्छा लगेगा। वो मेरा किचन रैक देखे, उसमें मैंने सारे लंच बॉक्सेस आज 2-3 दिन के सारे निकाल के रखे हैं। जो कम लंच होता है तो मैं कम वाला छोटा वाला लंच बॉक्स देती हूँ, और ज़्यादा लंच वो होते हैं तो फिर बड़े वाले, तो सारे आज मैंने धो के बाहर ही रखे हुए हैं कि सुबह मुझे परेशानी ना हो, और सुबह मैं इंशाल्लाह मैक्रोनी बना के दूंगी। कावा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है ऑफिस से आने के बाद। जी, कहती हूं मुझे अपने हाथ का कावा पसंद है। मुझे ना अपने हाथ की कॉफी पसंद है। मैं भी वही डालता हूं सारी, कोई वो चीज नहीं आता अलग से। ना मुझे अपने हाथ की चाय पसंद है, ना मुझे अपने हाथ की कॉफ़ी पसंद है। मैं कहती हूँ बस सारा दिन काम करूँगी, आलू के पराठे मेरे देखिएगा और बताइएगा कि कैसे मैंने बनाए, तो सारा काम करूँगी पर मुझे चाय और कॉफ़ी इनके हाथ की चाहिए। और आलू के पराठे कैसे थे? VIP। सुबह नाश्ते में भी खाऊंगा इंशाल्लाह। अरे कावा ज़बरदस्त, इसमें लेमन डाला है आपने? नहीं, अभी लेमन डालता। लेमन भी डाल देना जी। तो जैसे आपने मेरी वीडियो में देख लिया होगा कि आज मैं सुबह कहाँ जा रही थी, मेरे हस्बैंड की कज़न है और उनकी माशाल्लाह सेकंड बेटी हुई थी, तो और देखें अल्लाह ताला ने रहमत दी है तो रहमत भी होने लग गई। सुबह से बारिश हो रही थी कराची में, तो इतना अच्छा मौसम था और माशाल्लाह बहुत प्यारी, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेके आई हूँ, आपको पता है मैं जैसे छुप के व्लॉगिंग करती हूँ, तो अभी तक मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर वो तो जच्चा अवार्ड था, उसमें अच्छा भी नहीं लगता कि मैं आपके लिए वीडियो बनाती, तो थोड़ी बहुत जो मैंने अपने साथ छोटी सी मुन्नी की पिक्चर्स लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा, बल्कि अब तक आप लोग देख भी चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।